हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स मिल्क स्मूदी, जिसे पीकर हम बहुत देर तक फुली महसूस कर सकते हैं और बहुत ही यमी भी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। मिक्सर के जार में हम हमारे इन ओट्स को, जिसे हमने पीस लिया था, वो 3 टीस्पून डालेंगे, जिन्हें हमने हल्का रोस्ट करके भून के रखा था। अपने ये प्लेन ओट्स हैं, हमने 3 टीस्पून डाले हैं। साथ में 1/4 चम्मच यानी एकदम थोड़ा सा हम इसमें दालचीनी पाउडर डालेंगे। साथ में हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं, तो वो हम 2 चम्मच डालेंगे। फ्लैक्स सीड्स हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। साथ में हम इसी में हमारा पीनट बटर 1 चम्मच डालेंगे। ये वाला पीनट बटर हम यूज़ कर रहे हैं, इसका हमने 1 चम्मच लिया है, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। 10-12 हमारे ये काली इलायची, वो किशमिश है, जिसे हम इसमें डाल रहे हैं। साथ में किशमिश हमने 8-10 डाली है, ब्लैक वाली। साथ में हम इसमें हमारा 2 टीस्पून शहद डालेंगे। हम इसमें शहद का यूज़ ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें जो हमारी किशमिश डाली है उस मिल्क डालेंगे, जो हमारा 1 कप है। ये 1 कप हम इसमें हमारा मिल्क डालेंगे, हम इसे पूरा नहीं डालेंगे, आधा अभी यूज़ करेंगे और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इन सब चीज़ों के साथ हम इसे पीस लेंगे हमारे मिक्सर के जार में। तो इन्हें अच्छी तरह से महीन पीसना है, ताकि इसका स्वाद हमें अच्छा लगे। जिसे थोड़ा सा दरदरा अच्छा लगता है या क्रंची अच्छा लगता है, तो वो रख सकता है, बाकी मैं इसे थोड़ा महीन पीस लेती हूँ। तो देखिए गाइस, इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद अब हम इसे हमारे कप में डालेंगे। देखिए, ना ये ज़्यादा थिक है, ना ज़्यादा लिक्विड है, ये बहुत ही टेस्टी और यमी है। इसे हम और अच्छे से जो बचा है वो भी निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी ओट्स स्मूदी बनकर तैयार है। जो हमारा आधा दूध बचा हुआ था, उस आधे दूध से हमने उसे जार में मिला करके निकाल लिया था और हमने इसे तैयार कर लिया है। ये देखिए, ना ज़्यादा एकदम थिक है, ना ज़्यादा लिक्विड है, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है गाइस। इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। इससे इसमें जो फ्लैक्स सीड्स है, उसकी वजह से हमारा पेट बहुत देर तक फुली महसूस होता है, हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती। इसे आप नाइट में, डिनर में, या फिर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आप कोई ऑफिस वगैरह या कुछ जॉब पे जाते हो और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तब भी आप इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये क्विकली बहुत जल्दी बन जाता है, इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप सारी चीज़ें तैयार रखते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं इसे इंजॉय करती हूँ। और आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मेरी ये स्मूदी आपको कैसी लगी। इसे ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी और यमी है। तो चलिए, मैं इसे इंजॉय करती हूँ और आप इसे बनाना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये स्मूदी कैसी लगी।